नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश सोनी आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम देखेंगे जर्मन अंगोरा रैबिट। आपको पता है कि जर्मन अंगोरा रैबिट है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला रैबिट है, बिकॉज उसके जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी फ्लफी होते हैं और एक टेडी बियर जैसा लुक देता है वो रैबिट। उसके जो हेयर्स होते हैं उसके फेस पर और पीछे पूरा वो हेयर से भरा रहता है। तो इसमें भी जर्मन अंगोराज में बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं जो कि हम आगे जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप जर्मन अंगोरा रैबिट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करें, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर हर एक वीडियो में आपको अलग अलग एक्जॉटिक पेट्स के बारे में उनके केयर और उनके मेंटेनेंस कैसे करनी है ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो फ्रेंड्स, चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही ज़्यादा डिस्कस करूँगा, क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो आपको गूगल पे या कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा। तो हम इसमें जो है प्रैक्टिकल जो भी बातें हैं इनके बारे में वो करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ है जर्मन अंगोरा की कि इनके फर में कोई भी एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स नहीं होते, जिसके कारण कि इनको पालने की मान्यता हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रैबिट ब्रीड है ये इंडिया में। और इनको रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए है। इनको अगर आप चाहें तो आप लिटर ट्रेन भी कर सकते हैं, बिकॉज़ बेसिकली रैबिट्स को पालने के लिए देखा जाता है कि रैबिट्स इस कारण नहीं पाल पाते हैं रैबिट लवर्स, क्योंकि उनकी बदबू होती है, उनकी स्टिंक आती है। ऐसे में अगर आपके रैबिट से भी स्टिंक आती है, बदबू आती है, तो आप उनको लिटर ट्रेन कर सकते हैं। एक कोई भी आप घर का कोना, कोई घर का ऐसा कमरा या घर का कोई बाथरूम आप ऐसा उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको वहाँ पर लिटर ट्रेन कर सकते हैं, ताकि जब भी वो पॉटी करें या कुछ भी करें तो वहाँ जाकर करें और पूरे घर में ना फैलाएं। लिटर ट्रेनिंग की जो वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी और आने वाले टाइम में मैं भी जो ये वीडियोस है वो बनाऊंगा। जहाँ तक इनके एज की बात करें, इनकी एज काफ़ी अच्छी रहती है और 7 to 12 ईयर्स जो है इनकी एज मानी जाती है। और अप्रॉक्सीमेट अगर आप लगाएं तो 8 ईयर्स ये जो है कैप्टिविटी में इजीली निकाल जाते हैं। और अगर आप इनको बहुत अच्छी डाइट देंगे, बहुत अच्छी मेंटेनेंस देंगे, इनकी फ़र क्वालिटी मेंटेन करेंगे, इनको टिक्स माइट्स के लिए हमेशा चेक करते रहेंगे, इनको एक अच्छी अमाउंट में आप हे प्रोवाइड करेंगे, अगर आप ये चीज़ें सब ध्यान में रखते हैं तो इनकी एज आपको जो है नॉर्मली 8 से 10 साल मिल जाती है। अगर इनके साइज़ की बात करें तो साइज़ इनका जो है नॉर्मली 18 इंचेस तो होता ही है। जब ये मींस बैठे होते हैं तो बैठे होने की पोजीशन में इनका जो साइज़ होता है मिनिमम टू मिनिमम 18 इंचेस आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा जब अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं तो ये जो है 24 इंचेस तक भी पहुँच जाते हैं। मेरे पास कुछ अंगोराज हैं जिनकी जब वो स्ट्रेच होकर बैठते हैं तो 24 इंचेस से भी आगे जाते हैं, तो मैं आपको वो जो है पिक्स शेयर करूँगा। थर्ड पॉइंट इज कि जर्मन अंगोरा की फिज़िकल अपेरियंस कैसी होती है, बिकॉज़ बहुत से लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ कर जाते हैं जर्मन अंगोराज में, फ्रेंच अंगोराज में, जाइंट अंगोराज में, और जितने भी अंगोराज हैं उनमें जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जर्मन अंगोराज होते हैं उनके कानों के टिप पर जो है वो बाल होना ज़रूरी है। इसके साथ ही उनके फेस पर भी बाल होना चाहिए, उनकी लेग्स पर और उनके पूरा बैक पर बाल होना ज़रूरी है। अगर आप ये देख रहे हैं कि उनकी लेग्स पर हेयर्स नहीं हैं, उनके कानों पर हेयर्स नहीं हैं, तो वो फ्रेंच अंगोरा है या फिर वो मिक्स अंगोरा है। अगर आपका जर्मन अंगोरा प्योर है तो उसके कानों के टिप पर आपको बाल मिलेंगे और उसके अलावा आपको उसके पूरी बॉडी पर बाल मिलेंगे, इंक्लूडिंग फेस, इंक्लूडिंग लेग्स, इंक्लूडिंग टेल एंड इंक्लूडिंग द बैक पोर्शन, हर जगह आपको बाल देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो अंगोराज मैं दिखा रहा हूँ इनके कानों के टिप पर ही नहीं, पूरे के पूरे कान पर जो है इनके बाल हैं और जो हेयर्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इनके ईयर्स पर। तो ये जो क्वालिटी है ये सिलेक्टिवली ब्रीडिंग करवा के बनाई गई है और ये जो क्वालिटी है आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगी। अगर आप रिटेल पर जाकर कहीं चेक करेंगे तो ये आपको जो क्वालिटी है ऐसी क्वालिटी काफ़ी कॉस्टली मिलेगी। और अगर हम नॉर्मली इनके प्राइस की बात करें तो रिटेल मार्केट में इनकी प्राइस जो है 10 to 12 thousand पर पेयर रहती है।
और जो अप डाउन्स है वो क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं या टाइम पर डिपेंड करते हैं। तो इनकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 10,000 to 12,000 तो रहती ही है, लेकिन इससे भी ऊपर जा सकती है। अगर हम इनके टेम्परेचर की बात करें तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि टेम्परेचर जो है अगर हाई हो जाए तो अंगोराज उसमें ज़िंदा नहीं बचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। एक बढ़े हुए टेम्परेचर में जो है इनको उस हिसाब का आपको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जिसके चलते हुए कि आपका जो अंगोरा है वो उस टेम्परेचर को झेल पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर चला गया है तो आप अपने अंगोरा के पूरे हेयर्स को ट्रिम कर दीजिए। अगर आपको इतनी गर्मी में ट्रांसपोर्ट करने हैं अपने अंगोराज तो आप उनको पूरी तरह से उनके हेयर्स जो हैं ट्रिम करके उनको ट्रांसपोर्ट कीजिए। इसी के साथ ही आप जब अपने केज में उनको रख रहे हैं तो उसमें जो है एक गनी बैग लेकर उसके अंदर बर्फ़ डाल कर रखिए, बर्फ़ की बॉटल डालकर वो गनी बैग को पूरा कवर करके रखिए ताकि जब उसको गर्मी लगे तो वो उस बॉटल पर जाकर बैठ सके और टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर सके। इसके अलावा आप अपने अंगोरा रैबिट को फ़ैन दे सकते हैं या एसी दे सकते हैं। कूलर देना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ अगर आप उनको कूलर देंगे तो कूलर की जो ह्यूमिडिटी होती है उसके कारण उनके हेयर्स में जो है काफ़ी टेंगलेशन हो जाएगी, उनको फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा है। तो या तो आप उनको फ़ैन दे सकते हैं या आप उनको एसी दे सकते हैं। अगर इनकी डाइट की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि हर रैबिट की जो डाइट है मस्ट बी फुल ऑफ हे। जो घास होती है, देसी घास जो होती है जिसको हम दूब की घास बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर दूब की घास नहीं है तो आप इनको बरसीन डाल सकते हैं, बरसीन भी नहीं है तो आप इनको जवी डाल सकते हैं। इसके साथ आप इनको कॉर्न ग्रास डाल सकते हैं और बाजरा की एक ग्रास आती है वो भी आप इनको दे सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी ग्रासेस हैं मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है इनको देकर, और जो पॉपुलर ग्रास है जैसे टिमोथी हे हो गया और इसके अलावा भी कई ग्रासेस हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं तो वो भी आप इनको दे सकते हैं। इसके अलावा डाइट में आप इनको फाइबरस कंटेंट ज़्यादा रखिए, फाइबरस कंटेंट जो होता है ग्रास में ज़्यादा होता है, और इसके अलावा आप इनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन, मिनरल ये सब जो है आप इनको दीजिए जो कि आप ऑस्टोपेट और विमरल के फॉर्म में इनको दे सकते हैं। अगर आप इनके ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे तो ये जो है ब्रीडिंग रफली 10 मंथ्स की एज में शुरू कर देते हैं और अप टू 6 years, 5 years ये ब्रीड करते हैं। और इनको ब्रीड करवाना जो है वो काफ़ी मुश्किल रहता है, बिकॉज़ आपको पता है कि ये जो अंगोरा रैबिट्स हैं ज़्यादातर ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं और वहाँ ही ये जो है ब्रीडिंग इनकी सक्सेसफुल रहती है। अगर आप इनको बहुत हॉट जगह पर इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे तो मोस्ट ऑफ़ द चांसेस हैं कि इनके बेबीज जो हैं वो नहीं बचेंगे। तो अगर आप बहुत कोल्ड एरिया में रह रहे हैं तो इनकी ब्रीडिंग की तरफ कंसंट्रेट कीजिए। अगर नहीं रह रहे हैं तो आपके एरिया में जब भी ठंड का मौसम आए तब आप इनको ब्रीड करवा सकते हैं। अगर इनके लिटर की बात करें तो इनके लिटर में जो है 6 to 10 पप्स नॉर्मली देखने को मिलते हैं, और ऑन एन एवरेज देखें तो 6 पप्स ही मिलते हैं। कभी कभी ये जो है क्वांटिटी 2 पप्स पर भी चले जाती है और कभी कभी ये जो है 8 to 10 पप्स पर भी चले जाती है। ये सब डिपेंड करता है फादर के स्पर्म काउंट पे, जो आप इनके साथ जो है मेटिंग करवा रहे हैं मेल की उसका स्पर्म काउंट क्या है, और उसके साथ ही फीमेल किस रेशो में स्पर्म्स को रिसीव कर रही है, कैसे कंसीव कर रही है, तो ये सब जो है फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। नॉर्मली जो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास अंगोरा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर 4 दिन में 3 दिन में एक बार ही आपको इनको ग्रूम करना है। अगर आपके घर में हेयर ड्रायर है या फिर ब्लोअर है उससे इनके जो हेयर्स हैं उनकी टेंगलेशन जो हैं, जो नॉट्स बन जाती हैं उनको रिमूव करते रहिए और इनको रेगुलरली कॉम करते रहिए। बिकॉज़ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो नॉट एक दिन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले लेती है कि आप उनको रिमूव नहीं कर पाएंगे। उसको रिमूव करने के लिए बहुत प्रोफेशनल कोई ग्रूमिंग जो करते हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि वो कैसा करना है, लेकिन आप उनको उनके नॉट्स को, उनके जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नॉट्स बन गई हैं उनको रिमूव नहीं कर पाएंगे। और वो जो नॉट्स को अगर आप रिमूव करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उन नॉट्स के साथ हो सकता है कि वो जो रैबिट है उसकी स्किन भी कट जाए। तो ये जो आप अगर ग्रूम करते रहेंगे इजीली हर 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में अगर आप इनकी ग्रूमिंग करते रहेंगे तो इनका जो
हेयर क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी रहेगी, डेंस रहेगी। इसके अलावा इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। और समर्स में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इनकी जो हेयर्स हैं उनको पूरी तरह से काट कर रखिए, उनको पूरा क्लियर करके रखिए ताकि हीट स्ट्रोक ना हो और आपका जो अंगोरा रैबिट है इजीली हीट को सह पाए। सो इस वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ से बताया है कि अगर आप जर्मन अंगोरा रैबिट रखना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें उनके बारे में जाननी नेसेसरी हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जर्मन अंगोरा के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आगे आने वाले वीडियोस में जर्मन अंगोरा पर डिटेल पर भी डिस्कस करूँगा कि उनको टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, उनके ब्रीडिंग, उनके ग्रूमिंग, उनके हेयर्स कैसे कट करने हैं, ये सब भी मैं अपने चैनल पर बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर जो है आपको पेट्स के बारे में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे इंस्टा पर, मेरे फेसबुक पर या फिर आप कमेंट सेक्शन में कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं और मैं जवाब जो है वहीं पर उसका साथ के साथ दूंगा। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।